कल 12:30 से 1 बजे रात की घटना है। जिला प्रशासन और नगर आयुक्त के द्वारा आयकर चौक से लेकर रेडियो स्टेशन तक जो दुकानदार रोड साइड में बसे हुए थे उनके ऊपर बिना सूचना दिए रात के अंधेरे में दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। दुकान के अंदर जितनी भी महिलाएं और बच्चे सोए हुए थे उसका ध्यान नहीं रखा गया, जिसमें बहुत से लोग घायल हो गए, जिनको हम लोगों ने DMCH इलाज के लिए भेजा। जो भी लोग छोड़ने आए थे उनके द्वारा गले में रखा पैसा और सारा सामान लूट लिया गया। वह लोग रात से सुबह तक रो रहे थे। हम जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं, जब तक उन लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़क को जाम रखेंगे। रात में बिना नोटिस किए हुए प्रतिबंधार को तोड़ा दिया गया। हम लोग भी अतिक्रमण ऐसा बात नहीं था, जो सूचना देता तो हम लोग अतिक्रमण के बचाव हम लोग रहते। हम लोग भी चाहते अतिक्रमण हटे, लेकिन गरीबों को सूचना पहले दे दिया जाता, दुकानदारों को सूचना दे दिया जाता, बिना सूचना के सब दुकानदारों को पैसा लूटपाट किया गया रात में। ये कहाँ का नियम है? गरीबों के साथ गंदा मजाक किया गया है। और हम लोग की मांग है नगर आयुक्त यहाँ पे आके पूरे दुकानदार को मुआवजे का ऐलान करे, मुआवजा दे। ये जाम तब तक चलेगी जब तक मुआवजे का ऐलान नहीं होगा। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष। क्या किसी भी तरह का नोटिफिकेशन? गरीबों का पैसा लूटने आए थे, पैसा लूट रहे बिना सूचना के आके आप किसी के दुकान को तोड़ लीजिएगा, साहब तो क्या क्या आ जाएगा? चोरों के तरह आपने पैसा लूट के ले, इसकी माफी मांगनी होगी। पूरे नगर निगम चियापनी कर रहा है। इससे पहले भी माफी मांगनी होगी, इससे पहले भी डीजल चोरी की आपको घटना का प्राप्त होगा जानकारी, उसके बाद डस्टबिन का, और आज गरीबों का सामान लूटने का पूरा प्रक्रिया चालू हो गया है। ये बताइए फुटपाथ का अगर मान लीजिए कोई भी 12 बजे रात के बाद कहाँ बुलडोजर चलता है? बिना नोटिस दिए कहाँ से बुलडोजर चलाएगा? इतना गरीब यहाँ से लेकर आयकर चौक से लेकर हराई तक पूरे को उजाड़ दिया गया है। इसमें कितना महिला कितना बच्चा क्षतिग्रस्त हुआ है, पूरे को चोटी से हुआ, चोट लगा हुआ है। इसका पूरा जवाबदारी नगर आयुक्त को देना होगा, देना होगा, पूरा मुआवजा देना होगा, नहीं देगा इससे बड़ा आंदोलन होगा। आपका नाम? महासेठ।